मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगा। हारून अंसारी हॉस्पिटल का इंसानियत के नाम पर घटिया और जालिमाना रवैया उजागर। मालेगांव में गुज़िश्ता माह 16 अगस्त को जनरल हॉस्पिटल अलमारू सिविल हॉस्पिटल हुड़को कॉलोनी में एक डिलीवरी मरीज को ब्लड प्रेशर का उज्र बताकर धूलिया सिविल हॉस्पिटल जाने को कहा, मगर इसी दिन आधा घंटे के बाद ट्विंस जुड़वा बच्चों को महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से सहारा हॉस्पिटल में दो बच्चों को जन्म दिया। सिविल हॉस्पिटल जब से बना है उसी दिन से इस हॉस्पिटल की मनमानी, लापरवाही, तासुब और गरीबों के साथ इम्तियाजी सलूक बदस्तूर जारी है। अब आज इसी लिस्ट में एक और हॉस्पिटल का इजाफा हो गया। इस हॉस्पिटल का नाम है अलहाज हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल, जो गुज़िश्ता 1.5 साल कबल बना है और कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम और हुकूमत महाराष्ट्र के ज़रिए जारी है। जबकि अलहाज हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर कमिश्नर, मेयर, हेल्थ ऑफिसर ने जो मीडिया व आवाम के सामने इस हॉस्पिटल की सहूलियात के बारे में बतलाया था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अब जनरल हॉस्पिटल अलमारू सिविल हॉस्पिटल की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। मगर वाहरे कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रशासक राज के कमिश्नर और तिब डॉक्टरी जैसे अजीम पेशे से मुंसलिक स्टाफ और इनका आवाम के साथ उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ और अपनी डिग्री से अना और ईगो का मसला बनाने वाले, बिना आवाम की खिदमत सेवा के लाखों रुपए लेने वाले स्टाफ, डॉक्टर बनने के बाद 24 घंटा खिदमत का हल्फिया अहद लेने वाले, तुमको शर्म नहीं आती? इंसानियत के नाम पर ऐसी घटिया और ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करते हुए आज हारून हॉस्पिटल में एक डिलीवरी मरीज़ की इंतहाई तश्वीशनाक हालत इसके साथ आई महिला ने देखा तो इसको चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। सुबह 8 बजे डिलीवरी मरीज़ आई और 11 बजे तक इसका मेडिकल चेकअप तक नहीं किया गया। आखिर क्यों? हारून अंसारी हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल एक मरीज़ को रिफ़र किया गया और इसी दौरान डिलीवरी मरीज़ का बच्चा पेट में ही मर गया। इसका जिम्मेदार कौन? एक डिलीवरी मरीज़ को डिलीवरी के बाद टांका लगाने में देरी करना और बहानाबाजी करना और डिलीवरी मरीज़ का खून ज़्यादा बहने से हालत ख़राब हो जाना, इसका ज़िम्मेदार कौन? एक डिलीवरी मरीज़ को ब्लड प्रेशर का झूठा इल्ज़ाम लगाना और सिविल हॉस्पिटल भेजना और ये कहना कि सीज़र ही करना पड़ेगा, आखिर ये सब कब बंद होगा? गरीबों की जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कब बंद होगा? लापरवाही, मनमानी, तासुब, गरीबों के साथ ईगो का मसला कब ख़त्म होगा? मरीज़ों के साथ घटिया रवैया, ज़ालिमाना रवैया कब ख़त्म होगा? इस शहर के तामीर और तरक्की और नुमाइंदगी करने वाले मौजूदा आमदार और साबिक आमदार की नुमाइंदगी हम ढूंढ रहे हैं। प्रशासक राज में तमाम साबिक कॉरपोरेटर और मुतवक्के कॉरपोरेटर किधर हैं? आखिर कॉरपोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन का वन में नाकारा निकम्मा कमिश्नर का ये हिटलर शाही निज़ाम कब ख़त्म होगा? अलहाज हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल के इंचार्ज का ईगो, स्टाफ की मनमानी, लापरवाही, तासुब, गरीबों के साथ घटिया और ज़ालिमाना रवैया कब ख़त्म होगा? सुनिए इन 4 अफराद ख़ानदान की ज़ुबानी जिनके साथ ये मामला अलहाज हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल में पेश आया। हारून अंसारी में मेरी बहू को लेके गए डिलीवरी के लिए और सिस्टर ने चेक करी, बोलती बहुत प्रॉब्लम है। वो सहायता मैडम के पास दिख के ले आती, सहायता मैडम उठ के जाती नहीं, देखती नहीं, और सिस्टर बोलती कि इसको सिविल में लेके जाओ, वहाँ इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये है वो है, और वहाँ से यहाँ आने तक के बच्चा पेट में मर गया। अभी डॉक्टर ने उसको नॉर्मल डिलीवरी कर रहे, बोले कि नॉर्मल डिलीवरी करता हो जाएगी उसकी, और वो बोली क्या वहाँ सब सही है, वहाँ पर सिर्फ और सीजन ही करना पड़ेगा। और सहायता मैडम कुर्सी पर से उठ के आई नहीं, पेशेंट तक के देखी नहीं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है,
प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। और वहाँ जब बच्चे की धड़कन चेक कर रहे थे तो बता रहा था, यहाँ आने के बाद बच्चे की धड़कन नहीं बता रहे। अभी डिलीवरी हुई नहीं है, अभी डिलीवरी भी हुई नहीं है, अभी डॉक्टर ने यहाँ पे डिलीवरी नॉर्मल कर रहे थे। हम लोग हारून अंसारी में गए तो वहाँ पर बच्ची की डिलीवरी हो गई, लेकिन डिलीवरी होने के बाद फौरन वो लोग बोले वहाँ लेके जाओ नहीं तो बोले ब्लड ज़्यादा जाएंगे। तो हम लोग घबरा के क्या हुआ तो बोले फिर ऐसा उसका बढ़ गया और खून बहुत ज़्यादा जाएगा। तो वो लोग दो टांगे को आते हम लोग के यहाँ बैठे, अब यहाँ पर आए तो बच्ची को बहुत ज़्यादा खून चली गई और हम लोग को बोले प्रेशर उसका बढ़ रहा है, इसके वजह से ये नहीं बताया कि टाका लगाना पड़ेगा। दो टाके के वास्ते वहाँ से यहाँ भेजा गया, यही बीच अगर अच्छा बच्चा का कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। मेरा नाम अंसारी अब्दुल रहमान है, मैं मेरी वाइफ को लेकर हारून अंसारी हॉस्पिटल गया था। तो सुबह 6 बजे लेकर गया था, वहाँ पर कोई तवज्जो देने वाला था नहीं, कोई वहाँ पर था नहीं। एक मैडम आई वो चेक किए, बोले यार उनको भी 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, करते करते 11 बजा दिए। 11 बजे मैडम आई, मैडम उसको चेक नहीं करी, उनको बोले उनका प्रेशर ज़्यादा है तो तुमको सिविल लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ से चिट्ठी लिख के दे दिए, सिविल भी लाए यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, वहाँ पर बोरे भी सीजर करना पड़ेगा। यहाँ कितनी देर में डिलीवरी हुई? 1/2 घंटे में यहाँ पर डिलीवरी हो गई। और वहाँ पर हारून अंसारी पहले बोले यार उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ, सीजर करना पड़ेगा, हम लोगों का काम का नहीं है। बोले पहले डॉक्टर को चेक करा लो, फिर उसके बाद बोले होंगे पीपी बढ़ते जा रही, बोले जब फौरन लेके जाओ। और फिर चिट्ठी लिख के दिए कि बोले सो दवा खाने में ले जाऊँगा। हम बोले एम्बुलेंस वाले को कॉल कर दे,